هاكر هاكر. مزا آیا. तो हेलो खूनीगर्स फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो भाई आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोग फ्री फायर गेम खेलते हो और उस टाइम पे अगर आप लोगों को वन टैप मारने में प्रॉब्लम आती है, फिर आप लोगों के हेडशॉट नहीं पड़ते हैं, तो आप लोगों को फ्री फायर की ऐसी कौन सी 3 सीक्रेट ट्रिक है जिनको जानना जरूरी है, जिससे कि आप लोगों के सामने वाले बंदे को ओनली ऑन रेड नंबर ही पड़ेंगे। तो मेरी तुम सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। अगर आप लोगों के वन टैप नहीं पड़ते हैं, फिर आप लोगों को हेडशॉट मारने में प्रॉब्लम आती है, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आज की इस वीडियो में 300 डायमंड का गिव अवे और चलेंगे। आप में से 3 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से 100 करके डायमंड है वो दूंगा। और ये जो डायमंड गिव अवे वो टोटली फ्री है, इसके बदले में ना तो आपको कोई आईडी पासवर्ड देने, ना ही आपको कोई पैसे वैसे देने। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना। कमेंट बॉक्स में जाके आपको बस अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल देना, तो आप में से 3 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से 100 करके डायमंड वो दे दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की सीक्रेट वन टैप ट्रिक के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्ट क्लिप लगा दी जिसको मैंने पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया, जिससे आप लोग को बेस्ट तरीके समझ में आ सके। तो देखो सबसे पहले नंबर की जो ट्रिक है वो ये है कि अगर आप लोग किसी सामने वाले एनिमी से शॉर्ट रेंज में या फिर मिड रेंज में फाइट लेते हो, तो उस टाइम पे आप लोग को जो एम होता है वो हमेशा बाइट होना चाहिए। अब आपके मन में कंफ्यूजन ये भी है कि हमें अपना एम बाइट लेफ्ट साइड में रखना चाहिए फिर राइट साइड में रखना चाहिए। तो भाई देखो आप लोग अपना एम चाहे लेफ्ट साइड में रखो चाहे राइट साइड में रखो, आप लोग चाहे एनिमी के पैरों के पास रखो चाहे अपने पैरों के पास रखो चाहे मिडल में रखो, ठीक है, आप लोगों को हमेशा अपना एम बाइट रखना है। उसके बाद आप लोग को सिंपल एक छोटा सा काम करना है कि जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में आप लोगों को अपना फायर वाला बटन खींच देना है। जैसे आप लोग इस क्लिप को देखोगे कि यहाँ पर मेरा जो एम है वो बाइट है, उसके बाद जिधर की साइड एनिमी है उस डायरेक्शन में मैंने अपने फायर वाले बटन को खींच दिया, तो यहाँ पर मेरा इजी पीजी वन टैप पड़ गया। तो ये तो भाई आप लोगों के पहले नंबर की सीक्रेट ट्रिक के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीक्रेट वन टैप ट्रिक के बारे में बात। तो भाई देखो जब भी आपके सामने कोई एनिमी शॉर्ट रेंज में या फिर मिड रेंज में होता है, तो उस टाइम पे आप लोग को सिंपली छोटा सा काम और करना है कि देखो आप लोग उस टाइम पे अपने एम को तो बाइट रखोगे ही रखोगे, लेकिन जब भी आप लोग किसी एनिमी पे फायर करो तो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा अपना फायर वाला बटन जो होता है उसे झटके से एक साथ ऊपर की साइड खींचना है एनिमी के डायरेक्शन में। देखो मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई एनिमी शॉर्ट रेंज में फिर मिड रेंज में होता है, तो उस टाइम पे आप लोग को अपना एम बाइट रखना, झटके से एनिमी के डायरेक्शन में अपना फायर वाला बटन खींचना। जैसे अगर एनिमी राइट साइड में तो आप लोग को फायर वाला बटन राइट साइड में खींचना है, अगर आप लोग का एनिमी लेफ्ट साइड में तो आपको अपना फायर वाला बटन लेफ्ट साइड की तरफ खींचना है, और अगर एनिमी सीधा खड़ा हुआ है तो उस टाइम पे आप लोग को अपना स्ट्रेट ड्रैग करना है, अपने फायर वाले बटन को सीधा ऊपर की साइड खींच देना है। तो चलो अभी हम बात करते हैं तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीक्रेट वन टैप ट्रिक के बारे में बात। लेकिन उससे पहले मेरे तुम सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, 1 सेकंड का टाइम निकाल के इसको भी सुन लेना। तो भाई जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, तो इसके बदले में बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। अब यार देखो सपोर्ट करने कोई पैसे वैसे नहीं लगते, तो मैं तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। अब यार देखो मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एक बार मेरे कहने से नीचे की साइड देखो, आपको वहाँ पर एक ब्लैक कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना और पास में रखे बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑल पे सेट कर देना। इसके साथ ही आज आप लोग एक छोटा सा कमेंट और करना है कि अगर आप लोगों ने आज ही हमारे चैनल को न्यू सब्सक्राइब किया है तो कमेंट बॉक्स में जाके न्यू सब्सक्राइबर लिख देना। अगर आप लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो या फिर आप लोगों ने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब करके रखा है, तो आप लोगों को सिंपली कमेंट बॉक्स में जाके ओल्ड सब्सक्राइबर लेके कमेंट कर देना है। तो अभी मैंने आपको 2 ट्रिक बता दी, ठीक है, अभी हम बात करें तीसरे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में बात। तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है डेवलपर ऑप्शन। अब डेवलपर ऑप्शन के अंदर मैं आपको 3 सेटिंग बताने वाला हूँ जिन्हें आप लोग अपने मोबाइल के अंदर करना ही करना है। और अगर आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करना नहीं आता है तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लेनी जहाँ पर आप लोग को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि डेवलपर ऑप्शन अपने मोबाइल के अंदर कैसे ऑन करते हैं। अब जैसे ही आप लोग अपने मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन ऑन करोगे तो उसके बाद आप लोग को इसमें स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे साइड आना है, वहां पर आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम होता है Force 4X MSAA। तो ये आप लोग का सिंपली ऑफ होता है, तो इसे आप लोग को क्लिक करके ऑन कर देना आज के आज ही। तो ये तो आप लोगों की डेवलपर ऑप्शन के अंदर पहली सेटिंग। अभी हम बात करते हैं सेकंड सेटिंग के बारे में बात। तो इसके बाद आप लोग को थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे
नीचे साइड आना, यहाँ पर आप लोगों के ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम होता है डोंट कीप एक्टिविटी। ये जो डोंट कीप एक्टिविटी वाला ऑप्शन होता है ये भी आप लोगों का सिंपली ऑफ होता है, तो इस पर क्लिक करके आप लोगों को इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद होगा क्या कि आप लोगों के बैकग्राउंड में जितने भी ऑप्शन होते हैं, फिर आप लोगों के मोबाइल में कोई कॉल आता है, फिर मैसेज आता है, जिससे कि आप लोगों का मोबाइल लैग करता है, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गई आप लोगों की सेकंड नंबर की ट्रिक। अभी हम बात करते हैं तीसरे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग के बारे में बात। तो इसके नीचे जैसे आपको मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, तो ये आप लोगों का सिंपली स्टैंडर्ड लिमिट पर क्लिक होता है, तो आप लोगों को इस पर क्लिक करके इसे नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर क्लिक कर देना है। देखो नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर क्लिक करने से होता क्या है कि आप लोगों का जो मोबाइल होता है वो बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप होते हैं, जैसे आप लोगों ने कैमरा ओपन करके रखा है या फिर कोई भी फाइल मैनेजर, तो वो आप लोगों के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। अगर आप लोग नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर क्लिक कर दोगे तो आप लोगों का सिर्फ एक ही चीज चलेगा। अब जैसे मान के चलो आप लोग फ्री फायर गेम खेल रहे हो, तो उस टाइम पे बैकग्राउंड में जितने भी ऐप होंगे वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, जिससे कि आप लोगों का मोबाइल में गेम प्ले वो एकदम स्मूथ लेवल का होगा, आप लोगों को लैग प्रॉब्लम या फिर हीट प्रॉब्लम ये सारी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगी। और इसके साथ ही आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप करते ना ही आप लोगों के पास डायमंड लेने के पैसे, तो अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड लेना चाहते हो वो भी प्रूफ के साथ, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी है, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाया, तो आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जाना है, वहां पर जो मैंने वीडियो की लिंक पिन कर रखी है उसे जाके आप लोगों को क्लिक करके पूरा का पूरा देख लेना, ठीक है? फिर बाद में आप लोग बोलो कि हमको 2000 डायमंड नहीं मिले। और मेरी तुम सभी से सेकंड टाइम रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन यहाँ से दबा देना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।